नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेबेटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता सिखाने वाला हूँ बेसिक्स बॉट डिप्लॉय करने के वीपीएस के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ हमारा ऑटो कैप्शन बॉट। ठीक है, इस बॉट की मदद से, खैर मैं आपको यूज़ इसका बाद में दिखा दूंगा। ये बॉट बहुत ही शानदार बॉट है जिसका बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी। आप चाहे तो इसे हीरोको पे भी होस्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन हीरोको अपनी सर्विस को बंद कर देगा 28 नवंबर 2022 में। तो हम अपनी इस जो ये हमारी रिपो है, इसे मैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अपनी इस रिपो को मैं वीपीएस के ऊपर होस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि इसे आप वीपीएस के ऊपर कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो वीपीएस को कनेक्ट करने के लिए आप या तो जूस एसएसएच का यूज़ कर सकते हैं या फिर टर्मेक्स का यूज़ कर सकते हैं। वीपीएस के लिए मैंने आपको और भी कई सारी ट्रिक्स पहले ही बताई हुई हैं कि आपको कैसे वीपीएस को कनेक्ट करना है और आपको कैसे वीपीएस ले सकते हैं। आप या तो प्राइवेट वीपीएस बाय कर सकते हैं या फिर फ्री भी वीपीएस मिल जाते हैं आपको इंटरनेट के ऊपर। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर। आपको बस एक वीपीएस लेना है और वहाँ पे आप अपने बॉट को 24/7 अपने बॉट को रन कर सकते हैं। तो मैंने जो फ्री ट्रिक बताई थी वो ग्रूम आईडी की बताई थी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा हो तो। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने वीपीएस से कनेक्ट हो चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं root@groom। तो मैं अपने वीपीएस के अंदर आ चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारी रेपो है, आपको इसका लिंक एड्रेस कॉपी करना है। ये इस रेपो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको यहाँ पे कमांड रन करनी है गिट क्लोन। अगर यहाँ पे हमारे इसके अंदर गिट नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है। आपको ये कमांड देनी है apt get update and apt डैश गेट अपग्रेड। ये हमारी वो कमांड होती है जो हमारे पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड करती है किसी भी वीपीएस और लिनक्स या फिर यूबंटू सर्वर के अंदर। ठीक है, आपको ये कमांड याद रखनी है। आपको जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करें तो उसके बाद आपको ये कमांड रन करनी है। इससे आपका जो सर्वर है वो अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा जितने भी पैकेजेस आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो इस कमांड को देख के मैंने यहाँ पे अपने सारे पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है apt get install और उसके बाद उस पैकेज का नेम। तो मैं यहाँ पे गिट को इंस्टॉल करूंगा, तो मैंने यहाँ पे डाला apt dash get space install space और मैंने यहाँ पे पैकेज का नाम डाल दिया गिट। और मैं इसे इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे अपने इसके अंदर। और मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है गिट इसके अंदर, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी इंस्टॉल होने में। याद रखना है इस बात को कि आपको किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड होती है apt dash get install और उसके बाद उस पैकेज का नेम। तो मैंने ये कमांड यहाँ पे रन कर दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कमांड देनी है गिट क्लोन। इसकी मदद से जो हमारी पब्लिक रिपोजिटरी है गिटहब की, मैं उस पब्लिक रिपोजिटरी को क्लोन कर लूंगा अपने सर्वर वीपीएस के अंदर। मैं इस कमांड को यहाँ पे दूंगा गिट क्लोन और यहाँ पे उसका कमांड को एंटर कर दूंगा। तो ये जो हमारी रिपोजिटरी है वो क्लोन हो जाएगी। अब देखो ls कमांड से आप अपने डायरेक्टरी के फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं कि आप जिस फोल्डर के अंदर हैं उसके अंदर कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है। तो उससे हम ls कमांड से हम लिस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे होम डायरेक्टरी में अभी सिर्फ ऑटो कैप्शन बॉट पड़ी हुई है जो मैंने अभी क्लोन करी है। यहाँ पे फिर हमारी आती है cd कमांड। इस cd कमांड का यूज करके आप किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी फोल्डर के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको cd लिखना है और उसके बाद स्पेस देके उस फोल्डर का नाम एंटर कर देना है। और उसके बाद आप उस फोल्डर के अंदर एंटर हो जाएंगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑटो कैप्शन बॉट फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ पे मेन ब्रांच के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे ls कमांड दूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को सारे जितने भी इसके अंदर फाइल्स हैं वो सारी मेरे को यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अब इसके बाद क्या होता है, आपको ना सबसे पहले इसके अंदर जो जो चीज़ें जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे आपको वो सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पैकेज होना चाहिए आपके वीपीएस के अंदर apt get install pip। वैसे तो जो हमारा pip होता है वो पाइथन के साथ ही आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप नहीं है तो आप इसे अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो ये ग्रूम वाला सर्वर है इसके अंदर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हमें यहाँ पे पाइथन 3.7 कुछ मिलती है, 3.7.8 मिलती है शायद, है ना। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले इस बॉट को डिप्लॉय करने के लिए इसके जो पैकेजेस हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस जो हमें चाहिए होंगे इस बॉट को रन करने के लिए, आपको उन्हें इंस्टॉल करना होगा। उनके लिए कौन सी कमांड होती है, यहाँ पे होती है pip3 install pip3
इंस्टॉल स्पेस डैश आर स्पेस, और आपको ये जो फाइल दिख रही है requirements.txt, आपको हर रिपोजिटरी के अंदर आपको ये फाइल ज़रूर मिलेगी requirements.txt। आपको इसी फाइल को यहाँ पे रन करना है इस कमांड के साथ, pip3install-r requirements.txt, और आपको इस कमांड को यहाँ पे रन करना है। इस कमांड की मदद से हमारे जितने भी पैकेजेस हमें ज़रूरत होगी इस बॉट को रन करने के लिए, वो सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लें, अब आपको यहाँ पे मैं एक बार ls कमांड देता हूँ। तो नॉर्मली जो रेपो होती है उनके अंदर कॉन्फिग फाइल होती है या फिर .env करके एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स के अंदर हमें अपने अपने यूज़र आईडी, API आईडी वगैरह टेलीग्राम की एंटर करनी होती है। तो हमारे इसके अंदर ये नहीं है, तो हमें यहाँ पे कहाँ पे पाएगा, हमारी जो ये जो वेरिएबल्स होंगे हमें हमारी main.py फाइल के अंदर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नैनो को यूज़ करना होगा, और नैनो अगर आपके इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये कमांड यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, apt get install nano। आपको अपने सर्वर के अंदर VPS के अंदर नैनो को इंस्टॉल करना होगा। तो मेरे इसके अंदर नैनो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको नैनो से उस फाइल को ओपन करना है। किसी भी फाइल को आपको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर देखना है और या फिर उसे एडिट करना है, तो हम उसके लिए नैनो का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे उस फाइल का नैनो लिखूंगा और उस फाइल का नेम एंटर करूंगा जिस फाइल को मुझे देखना है, और एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो हमारी ये मेन .py वाली फाइल है जो कि एक पाइथन फाइल है। मैं यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे एडिट और अब एडिट कर सकता हूँ। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए हमारे वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, API ID, API hash और बॉट टोकन वगैरह। आपको बस यहीं पे अपने पैकेजेस का आईडी एंटर करनी है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, सबसे पहले API ID एंटर करूँगा। अब API ID पे देखना है आपको, देखो API ID के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नन, आपको इस नन को हटा देना है। और देखो आपका आपको कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कर्सर जहाँ पर है ये उससे एक पिछली वाली डिजिट पर काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरा कर्सर क्या है, कहाँ पर है अभी, कॉमा उस पर है ब्रैकेट पर, और मैं जब बैकस्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे ई डिलीट हो जाएगा नन का, यानी पिछला वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एक, और यहाँ पे आपके आपको अपनी टेलीग्राम की API ID एंटर करनी है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की API ID और API hash कैसे सर्च करें, तो आप हमारे चैनल ग्रिमेटस बॉट के ऊपर वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू गेट योर टेलीग्राम API ID एंड API hash। और मैंने यहाँ पे API ID एंटर कर दी। इसके बाद मैंने जो इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट करा था, आपको उसे यहाँ पे क्लोज करना होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। याद रखना वैल्यूज को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है API hash, यहाँ पे भी नन लिखा हुआ है, आपको नन को हटाना है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और आपको अपने टेलीग्राम की API hash यहाँ पे एंटर करनी होगी। मैंने यहाँ पे API hash एंटर करी और इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दिया। फिर मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है बॉट टोकन, आपको बॉट टोकन में भी नल लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को लगाया, अपने टेलीग्राम का बॉट टोकन यहाँ पे एंटर करूंगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आप टेलीग्राम पे बॉट टोकन कैसे जनरेट करें, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, हाउ टू क्रिएट योर टेलीग्राम बॉट, और उस वीडियो को देख के आप अपना बॉट टोकन लेकर आ सकते हैं। मैंने अपना बॉट टोकन भी एंटर कर दिया और उसे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज भी कर दिया। ठीक है, वैल्यू मेरी ठीक से एंटर हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइल कैप्शन। फाइल कैप्शन के अंदर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा फाइल नेम। इस फाइल नेम से क्या होगा, ये जो फाइल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसे जो भी फाइल आपके चैनल के अंदर फॉरवर्ड होगी उस फाइल का जो नाम है वो लिखा आएगा। ठीक है, और उस फाइल के अलावा आप यहाँ पे इसे एंटर कर सकते हैं। मैंने स्पेस दिया, अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कि चलो उस फाइल के साथ मैं अपने चैनल का नाम भी लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @grey_matter_bots, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि उस फाइल के अंदर उस फाइल का ओरिजिनल नेम लिखा है और मेरे चैनल का नाम लिखा है, तो मैंने ऐसा यहाँ पे लिख दिया कस्टम कैप्शन के अंदर। आप यहाँ पे कुछ और भी एंटर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आप चाहते हैं लिखना। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो इस फाइल के अंदर और भी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे वेरिएबल्स जो थे इस रेपो के अंदर सिर्फ 4 ही वेरिएबल्स थे जो हमें फिल करने थे, तो मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को एडिट कर लिया। ठीक है, अब आप चाहे तो और फाइल को भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें और फाइल को एडिट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने वेरिएबल्स एंटर करने थे और वो हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दबा देना है एक्स,
और फिर आपको वाई सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। इससे हमारी जो फाइल हमने एडिट करी वो सेव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे ls कमांड को यहाँ पे रन करूँगा। अब जो मेरा बॉट था यहाँ पे मैंने पूरी तरह सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब हर रेपो के अंदर आपको एक चीज़ को नोट करना है कि हर रेपो के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी, वो है प्रोक फाइल। ठीक है, यही जो आपकी प्रोक फाइल होती है इसके अंदर लिखा होता है, इसके अंदर वो कमांड लिखी होती है जिसे आपको रन करना है अपने बॉट को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट करूँगा और आपको यहाँ पे दिख रही है वर्कर पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो वर्कर के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है माई मेन डॉट पाइथन थ्री मेन डॉट पी वाई, ये आपकी वो कमांड है जो आपके बॉट को स्टार्ट करेगी। मैं इस फाइल को यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। तो इस कमांड से हमारा जो बॉट है वो स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर जाकर, ये मेरा बॉट है और मैं इसे यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो हमारा जो बॉट है यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं अपने बॉट को यहाँ पे स्टार्ट करूँगा इस कमांड के साथ जो मैंने कॉपी की थी अभी प्रो फाइल से, पाइथन थ्री मेन डॉट पी वाई। याद रखना प्रो फाइल के अंदर आपकी वो फाइल वो कमांड लिखी होती है जिससे आपका बॉट स्टार्ट होगा। जनरली पाइथन थ्री मेन डॉट पी वाई या फिर जनरल पाइथन थ्री मेन डॉट वो पाइथन थ्री बॉट डॉट पी वाई फाइल होती है जो आपकी रन होती है। कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम डोकर फाइल का यूज़ करते हैं तो उसमें हम बैश कमांड का भी कभी कभार यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी इस फाइल के अंदर बैश कमांड नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को एंटर करूँगा और अब आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है, आपका जो बॉट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका बॉट इसके अंदर कोई भी इशू है तो ये आपको यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने प्रिंट में लिखा हुआ है कि हमारा जो बॉट है ऑटो कैप्शन बॉट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अपने बॉट को यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बॉट यहाँ पे वर्क कर रहा है। अपडेट्स चैनल के अंदर आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ग्रे मैटर्स बॉट मिल जाएगा, आप चाहे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैं यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। अबाउट सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आप इस बॉट को कहाँ कहाँ से किस किस ने डेवलप किया और इसका सोर्स कोड वगैरह। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक टू होम जाऊँगा और इस बटन के मदद से आप इसे चैनल के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक चैनल बनाया चैनल वन, मैंने इसे प्राइवेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने इस बॉट को चैनल के अंदर ऐड करूँगा। ये चैनल वन है, मैं इसके अंदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपने बॉट को ऐड कर दूँगा, सारी परमिशन से दे दूंगा और ऐड एज एडमिन कर दूंगा। अच्छा, ये यहाँ से ऐड नहीं हो रहा है। अगर आपको ये यहाँ से ऐड नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, मैन्युअली अपनी बॉट को यहाँ से ऐड कर लेना है, ऐड बॉट टू चैनल के अंदर जाकर, अगर आपका बटन से ऐड नहीं होता है तो। और ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, चैनल वन के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चैनल टू बना लेता हूँ, वैसे चैनल टू बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा जो चैनल वन है इसके अंदर कोई भी फाइल को फॉरवर्ड करा जाएगा, चाहे आप उसे फॉरवर्ड बॉट की मदद से फॉरवर्ड करें या आप मैन्युअली फॉरवर्ड करें, तो जो मैंने कस्टम कैप्शन सेलेक्ट किया था वो उसके अंदर अपने आप ऐड हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए अभी दिखा देता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे अपनी कुछ यूट्यूब वीडियोज़ है जो यहाँ पे रखी हुई हैं, मैं इन यूट्यूब वीडियो को अपने चैनल वन के अंदर फॉरवर्ड करूँगा। मैंने इसे फॉरवर्ड किया, अब देखो फॉरवर्ड करते ही यहाँ पे जो मेरी फाइल थी एडिट हो चुकी है। यहाँ पे इस फाइल का ओरिजिनल नेम लिखा गया है और यहाँ पे मेरा चैनल का नेम लिखा गया है @grematersbot। ठीक है, मैं यहाँ पे इन्फो के अंदर आपको दिखा देता हूँ, मैसेज डिटेल्स के अंदर, और आपको नेम के अंदर फाइल नेम के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये हमारा फाइल नेम था, वही यहाँ पे लिखा गया है हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरे चैनल का नेम जो मैंने ऑटो कैप्शन में डाला था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक साथ घनी सारी वीडियो डाल के दिखा देता हूँ। चैनल वन के अंदर अब आप चैनल वन के अंदर कुछ भी कोई भी फाइल फॉरवर्ड करेंगे तो देखो एक साथ वो सारी फाइल्स यहाँ पे एडिट हो चुकी हैं फॉरवर्ड करते ही। आप इस चैनल के अंदर कोई भी चीज़ ऐड आप डालेंगे तो वो आपके ऑटो कैप्शन के साथ यहाँ पे अपने आप अपलोड हो जाएगी। ठीक है, हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपको अगर अपने इस बॉट को बंद करना है तो उसे बंद करने के लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे एक कमांड यूज़ करनी है कंट्रोल और सी, इससे आप अपने बॉट को क्लोज कर सकते हैं। मैंने अपने बॉट को यहाँ पे बंद कर दिया, मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने स्टार्ट कमांड दी तो हमारा बॉट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। इससे आप अपने बॉट को रन कर सकते बंद कर सकते हैं अगर आप अभी तक अपने टर्मिनल को ओपन करके रखें तब। ठीक है, इन केस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने बॉट को परमानेंटली, अगर आप ग्रूम यूज़ कर रहे हैं, आपने मेरी वीडियो को देखा था ग्रूम VPS आपने लिया फ्री वाला,
और आपको अपने बॉट को तब भी रन करना है जब आप ऑफलाइन जा रहे हैं, तब आपको ये टर्मिनल बंद करना है उसके, तब भी आपका बॉट रन होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये कमांड यूज़ करनी है, नो हब स्पेस दे के आपकी जो कमांड थी आपको वो कमांड रन करनी है जिससे आपका बॉट स्टार्ट होता है। तो हमारी जो कमांड थी वो ये थी python3 main.py, और यहाँ पे आपको एंड लगा देना है और एंटर कर देना है। आप इसके बाद आप अपने इस टर्मिनल को बंद भी कर देंगे तब भी आपका बॉट जो है वो रन होता रहेगा। मैं इसे स्टार्ट करूँगा। अच्छा, मेरा भी बॉट यहाँ पे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। हो गया यहाँ पे हमारा बॉट स्टार्ट, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं जैसे Ctrl+C यहाँ पे कर देता हूँ तो इससे मेरा बॉट बंद नहीं होगा। मेरा बॉट अब भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसे बंद करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या, आपको ये कमांड देनी है ps --ef, ठीक है। ये कमांड आपने दी। अब यहाँ पे हमारे वो प्रोसेसेस हैं यहाँ पे सारे जो प्रोसेस करंटली रन हो रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर। अब यहाँ पे आपको वो कमांड देखनी है जो आपने दी थी इस बॉट को रन करने के लिए। तो जो हमारी कमांड थी वो थी python3 main.py, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको इसके साथ सीधे आना है, और आपको यहाँ पे दिख रही है PID, ये PID आपको यहाँ पे कॉपी करनी है, और आपको ये कमांड देनी होगी kill --, और ये PID आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, और आपको ये रन कर देना है। इससे आपका जो बॉट है वो स्टॉप हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट कमांड दूंगा, मेरा बॉट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। इसी तरह से आपके जितने भी VPS वगैरह हैं सबके अंदर ऐसे ही आपका जो बॉट है वो ऐसे ही वर्क करेगा, और आप उसे ऐसे यहाँ पे उसको बंद कर सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल ग्रे मैटर्स बॉट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिस वीडियो पे हमारी जिस चैनल के ऊपर हमारी ये वीडियो अपलोड हो रही है ये हमारा सेकेंडरी चैनल है, जब तक के लिए जब तक हमारा मेन चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई हुई है ग्रे मैटर्स बॉट पे, तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे मेन चैनल ग्रे मैटर्स बॉट को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक